हाँ पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनिक से डाला गया, ये वो मकाम है। हाँ वहाँ जनाब इब्राहिम को ऊपर, ये नमरूद का जो है वो यहाँ करीब में महल था, उन्होंने सारा यहाँ पे चारों तरफ लकड़ियाँ जला दी थी। दूर दूर तक लकड़ियों से इतनी ऊंची आग थी कि नज़र आती थी। कई हफ्ते वो लकड़ियाँ जमा करते रहे थे और वो ऊपर पहाड़ के ऊपर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला और वहाँ पर परवरदिगार ने एक आवाज़ दी, या नारो खूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। तो सारी आग गुलजार में तब्दील हो गई। अगर अल्लाह कह देता कि या नारो कूनी बर्दन, ए आग ठंडी हो जा, तो जनाब इब्राहिम फ्रीज़ हो जाते, सर्द हो जाते बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ठंडी भी हो जा और सलामती बन जा। आज तक यहाँ दरख्त नहीं उगे और आज तक इसके जो है यहाँ पे अगर देखें तो सब चारों तरफ बागात हैं लेकिन यहाँ दरख्त नहीं उगते। ये इब्राहिम खलील की याद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जगह को बाकी रखा और एक 6,000 साल हो गए इस जगह को। अगर आप देखें तो ये जनाब इब्राहिम खलील का मौजज़ा यहाँ हमको मतलब आज भी बाकी है।